मोबाइल को जब भी खोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सामने? शायद कोई वॉलपेपर, चाहे आपने चूज किया हो, चाहे आपके फोन ने सजेस्ट किया हो आप। कोई ना कोई वॉलपेपर, कोई ना कोई इमेज, चाहे वो नेचर की हो, एनिमल की हो, गॉड गॉडेस हो, कोई भी इमेज हो, एक सामने आती है। जितने बार आप मोबाइल खोलते हैं उतने बार वो इमेज आपके सामने आती है। तो आपने सोचा कभी कि मोबाइल भी एक वो माध्यम हो सकता है जिससे आप वो चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं? उसी चीज को बार बार रिपीटेटिवली बोलते हैं, बार बार देखते हैं जो हम एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ मैनिफेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है मोबाइल में वॉलपेपर लगाना। तो वॉलपेपर हमेशा सोच समझ के आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर कर रहा है आपके माइंड को प्रोग्राम। क्या आप बार बार देख रहे हैं? आप उस चीज को बार बार देखना भी चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते जो वॉलपेपर में आपको दिख रहा है? हो सकता है कोई ऐसा कलर दिख रहा हो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज दिख रही हो जो आपको बार बार खुशी देती है। तो वॉलपेपर है बहुत इंपॉर्टेंट, सोच समझ के लगाइए। मैं कई लोगों के मोबाइल्स देखती हूँ, किसी की मैं वॉलपेपर लगाए, अरे भाई एक लड़का बैक साइड से कहीं जा रहा है, उसकी पीठ दिख रही है, ये क्या वॉलपेपर हुआ? ये तो मुंह घुमाना हो गया, परिस्थितियों से, सिचुएशन से भागना हो गया कि आप पीठ देख रहे हैं बार बार। अजीब सा वॉलपेपर है, कोई लड़का है सुनसान जगह बैठा हुआ है, कोई लड़की है अकेली बैठी हुई है जो लोनलीनेस को दिखा रही है, पीठ दिखा रहे हैं, मतलब आप सक्सेस नहीं आपको लाइफ में मिल रही है, आप हमेशा मुंह छुपा रहे हैं हर सिचुएशन से। तो ऐसे वॉलपेपर्स बहुत गलत असर डालते हैं आपके ऊपर। सोच समझ के वॉलपेपर लगाइए। कुछ लोग होते हैं एकदम डल वॉलपेपर ऐसा लगा लेते हैं, धुंधला धुंधला, अपनी ही इमेज लगाई है लेकिन एकदम डल लगाई है, बेकार सी इमेज। तो वो चीज आपके अंतर मन में असर डालती है। तो हमेशा वॉलपेपर चूज करते वक्त ध्यान दीजिए, वॉलपेपर एक वो तरीका है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि बार बार जिस इमेज को आप देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार एक मैसेज जाता है, जाने और अनजाने, भले ही आपको पता नहीं है लेकिन अनजाने भी वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जा रहा है जो इमेज आप देख रहे हैं। तो क्यों ना उस इमेज को देखें जो चीज हमें लाइफ में चाहिए। यानी कि क्या जरूरत है आपकी, मैं सबको ये नहीं कहूंगी कि सब लोग ये चीज लगा ले, एक चीज सब पे एप्लीकेबल कभी भी नहीं होती है। किसी की जरूरत पैसा है, किसी की जरूरत लव है, किसी की जरूरत सक्सेस है और किसी की जरूरत करेज है। तो सबकी जरूरत अलग, सबके लिए वॉलपेपर्स अलग। कॉमन वॉलपेपर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं होते, कॉमन भी हो सकते हैं, पर हम कॉमन क्यों रखें? क्यों ना हम वो वॉलपेपर रख लें जो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा हो। तो हमेशा वॉलपेपर ऐसा लगाइए जो आपको चाहिए लाइफ में, वही वॉलपेपर फिक्स करिए। तो मैंने कुछ चीजें चुनी हैं, क्यों ना हम उन्हीं वॉलपेपर्स को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं पहला, लव। अगर आपकी लाइफ में लव की कमी है तो आप क्या लगा सकते हैं? आप चाहें तो कोई कोड लगा सकते हैं, आप 541 लगा सकते हैं। अगर आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में तो आप 541 कोड लिख के लगा सकते हैं, कागज पे लिख के लगा लीजिए, किसी भी तरह से लगा लीजिए। 541 कोड आपके लिए लव को अट्रैक्ट करेगा। जितने बार आप मोबाइल खोलेंगे वो नंबर बार 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 आपको दिखता रहेगा, मींस आपको पता है कि ये मेरे लिए लव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लाइफ में रिलेशनशिप बहुत खराब है, रिलेशनशिप को अच्छा करना है, कुछ अच्छे लवली लवली रोजेस लगा लीजिए, हार्ट लगा लीजिए, कोई भी ऐसी चीजें लगा ले जो हार्ट से, दिल से रिलेटेड हो, हार्ट चक्रा से रिलेटेड हो, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज लगा सकते हैं, मींस ऐसी चीजें जो हार्ट पे काम कर जाए। तो कोई कोड हो या फिर कोई इमेज हो, तो इनमें से कुछ भी लगा लीजिए, आपके लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ना काफी हद तक सॉल्व होने लगेगी। अब हम बात करते हैं मनी की। अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ना कोई मनी कोड्स लगा ले। आप 808 लगा लीजिए, आप 888 लगा लीजिए। मनी का 8 नंबर प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस देता है, 8 नंबर की एनर्जी आपको हमेशा और हमेशा मनी की तरफ खींचती है। तो 888 नंबर, अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना तो 888 नंबर बेस्ट होता है। बार बार 888 आपके सामने आ रहा है, मींस आप एक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 888 हो गया, इन्फिनिटी सिंबल भी लगा सकते हैं, लव के लिए भी, मनी के लिए भी, ठीक है। कोई कोड्स लगा लिए आपने, कोई स्विच वर्ड्स भी लगा सकते हैं,
आप चाहें तो अपने देव देवियों की पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगा सकते हैं, आप कुबेर जी भगवान लगा सकते हैं, आप कुबेर कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि मेरा बनाया हुआ एक ऑप्शन दिया है मैंने। अगर आपका मन करता है तो आप कुबेर कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बार बार दिखेगा मीन्स बार बार आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा, अगर मेंटल पीस चाहिए, अगर आप रिलेशन भी अच्छा है, मनी भी है, मेंटल पीस नहीं है, हमेशा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशानियों में घिरे हुए, आप एमेथिस्ट की इमेज लगा लीजिए ना। एमेथिस्ट एक्चुअल नहीं है, एमेथिस्ट की इमेज लगा लीजिए, एमेथिस्ट आपको देगा मेंटल पीस। आप लेवेंडर फ्लावर्स लगा सकते हैं जो आपको देगा मेंटल पीस, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हैं, क्यों ना वो लगाएं जिससे हमें फायदा हो जाए। तो लेवेंडर आप फूल लगाइए, आप देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेवेंडर फ्रेग्रेंस भी आप आसपास इस्तेमाल करेंगे, आपको मेंटल पीस देगा, एंजाइटी से फ्री रखेगा टोटली। इसके अलावा करेज चाहिए, आप एलिफेंट लगा सकते हैं, आप लायन लगा सकते हैं, इनमें से जो अच्छा लगे आप करेज के लिए ये लगा सकते हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हैं लाइफ में तो क्यों ना आप वो चीजें लगा लें, उन व्यक्तियों की तस्वीरें लगा लें जो आपको इंस्पायर करते हैं सक्सेस के लिए। सक्सेस का कोड लगा लें, 2190 भी लगा सकते हैं, प्लस कोई आप ऐसे कोटेशंस लगा सकते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो। कोई व्यक्ति हो सकता है, अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं आप उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। बार बार वो चीज आपके दिमाग में जा रही है ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप सक्सेस के लिए लगा सकते हैं। अगर आप लेजी बहुत है, आप सनफ्लावर लगा सकते हैं, आप सन लगा सकते हैं, आप रनिंग हॉर्सेस लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी तस्वीरें लगा लीजिए, आपका लेजीनेस आपकी दूर होगी और आप भी चलने वाले मोड में आ जाएंगे, मीन्स अब तो कुछ करना ही करना है। कभी जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, सन की राइजिंग सन की इमेज लगाइए, 1111 कोड लगा के रखिए, आप सनफ्लावर लगा सकते हैं, रेनबोज लगा सकते हैं। तो ये सारी वो वॉलपेपर्स हैं जो एक पॉजिटिविटी को अपने अंदर घेरे हुए। मैं बहुत लोगों के वॉलपेपर्स देखती हूँ ना तो इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई ये क्या तस्वीर है, एक रोती हुई औरत बैठी हुई है, लगा दिया वॉलपेपर, अब कहीं खुद ही अपनी इमेज लगा रहे हैं, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा ढंग से, एकदम डल पिक्चर लगा दी बेकार सी, क्या मतलब है। अगर वॉलपेपर लगाना है तो वो लगाइए जो आपके जीवन को प्रोग्राम करता रहे पॉजिटिविटी की तरफ, जो आपकी जरूरत है वैसा आपका वॉलपेपर होना चाहिए। तो साथियों आज हमने बात की मोबाइल पे कैसा वॉलपेपर लगाना है, सेम यही चीज लैपटॉप पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, आपका ऑनलाइन वर्क रहता है, तो हमेशा वॉलपेपर वो बना के रखिए जो आपकी जरूरत है। जैसे ही आप करेंगे ना, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपकी लाइफ पे असर डालती है। हमको पता ही नहीं होता कब कौन सी चीज इंपैक्ट डाल रही होती, कौन सा निगेटिव डाल रही है, कौन सा पॉजिटिव डाल रही है। मुझे जब भी किसी का वॉलपेपर, किसी की इमेज ऐसी दिखती है, प्रोफाइल पिक्चर ऐसी दिखती है, चाहे व्हाट्सएप पे फोन नंबर पे हो, जो मुझे लगता है निगेटिव है, मैं तुरंत उसको बोलती हूँ इसको चेंज कर लो, क्योंकि उसको नहीं पता लेकिन उसके जीवन में इफेक्ट डाल रही है। तो कभी भी डल पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर डल ना हो, इमेजेस डल ना हो, सब कलरफुल होना चाहिए, जो चाहिए वैसी इमेज। तो मैं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, प्यार भरा नमस्ते।